उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा निर्देश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव जैन के मार्गदर्शन में विश्व स्तनपान दिवस के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रायबरेली के जिला महिला चिकित्सालय में इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवक पूनम सिंह द्वारा बताया गया कि अगस्त माह पहला सप्ताह हर साल विश्व स्तनपान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाया जाने वाला इस सप्ताह का मकसद लोगों को, खासकर महिलाओं को, स्तनपान के प्रति जागरूक करना होता है। CMS डॉक्टर रेणु चौधरी ने बताया कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह के दौरान अधिक से अधिक माताओं को स्तनपान के फायदों को से अवगत कराने पर जोर दिया जाता है। शिशु के लिए एक घंटे के भीतर माँ का पीला दूध व 6 माह तक केवल स्तनपान बहुत जरूरी होता है। यदि बच्चे को जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाया जाए तो ऐसे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि होती है। पराविधिक स्वयं सेवक पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि स्तनपान शिशु को डायरिया एवं निमोनिया जैसे गंभीर रोगों से बचाव करता है, जिससे उनके बेहतर पोषण की बुनियाद तैयार होती है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कल्पना के द्वारा स्तनपान से होने वाले फायदों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। जिला परिवार नियोजक प्रबंधक हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि माँ द्वारा बच्चे को 6 माह की आयु तक स्तनपान से बहुत से लाभ होते हैं। जहाँ बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, वही माँ भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होती है। 6 माह तक केवल स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना 24% कम होती है। यह अनचाहे गर्भधारण से भी बचाती है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान कराना चाहिए। अलग से किसी भी प्रकार का अनुपूरक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। पराविधिक स्वयं सेवक पवन कुमार श्रीवास्तव, काउंसलर रीता सिंह, स्टाफ नर्स अर्चना शीला एवं अन्य स्टाफ तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने में महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। S7 की डेस्क रिपोर्ट। दोबारा प्रेगनेंसी से इसका बचाव होगा और ब्रेस्ट कैंसर के भी 25% के चांसेस कम हो जाते हैं। तो माँ को भी फायदा है, बच्चों को भी फायदा है। और जो हमारा चिकित्सालय है, किसी भी प्रकार से जो है अलग से फीडिंग के लिए बॉटल के प्रमोट नहीं करता है। हमेशा हमारा स्टाफ जो है माँ को हमेशा यही काउंसलिंग करता है कि बच्चों को माता ने कम से कम 6 महीने